अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद ईनएन न्यूज़ में आपका हर मुकदम पढ़ता हूँ। लंगरहाउस पुलिस हदूद में और एक खातून का कत्ल अमल में आया। ये कत्ल किसी और ने नहीं, उसी के शौहर ने किया। उसका नाम जहांगीर बताया जा रहा है। ये कत्ल उसके शौहर ने उंडी से गला दबा कर तब तक ना छोड़ा उसे जब तक उसकी रूह परवाज ना हो गई। क्या होगा हमारे माशूरे का? पुलिस मौके वारदात पर आकर तहकीकात का आगाज किया। आइए सुनते हैं मरहुमा के भाई की जुबानी उसी की कहानी। 21 साल है मोहम्मद जहांगीर कनीज बेगम, जिसका इंतकाल हुआ। कनीज बेगम है, मैं उनका बड़ा भाई गफ्फार खान। हाँ, कनीज बेगम है जी। ये लोग आके 5 तारीख को उतरे। हाँ, लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहता था। ये उनकी एक छोटी बेटी है, उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा जोरों मरत में हो रहा था। वो उनकी छोटी बच्ची की वजह से हो रही थी। अच्छा। जी, आपके होने का नाम क्या है? मोहम्मद जहांगीर बोला ना। मोहम्मद जहांगीर जी। क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते। हाँ, आपके बहन की उम्र क्या रहती? 32 है। कितने बच्चे हैं उनके? चार बच्चे। बच्चा कितने बच्चे? दो बच्चियाँ दो बच्चे। मोहम्मद जहांगीर की उम्र कितनी रहती? रहती हूँ अच्छी, कुछ 30-40 के करीब। मारे यही घर में मारे। कैसे मारे? ओढ़नी से लपट के गला दबा दी। देखिए भाई, हमारे को जो है लंगर हाउस PS में जो जाके सिलेंडर हो गए, वो लोग से जो भी MLA वगैरह जो कुछ भी है यहाँ के, वो लोग से गुजारिश है मेरी कि हमारे को इंसाफ चाहिए। और एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं कि वो पहले भी मर्डर करा था जहांगीर, पंजागुट्टा PS में उसका कंप्लेंट है। उसके सेठ का नाम है मजदर भाई, खादर चाहिए हुकूमत से। बस ये इल्तिजा है मेरी कि मेरे को इंसाफ होना। बच्ची जो है सो अभी तो यहाँ पर आके जो है सो 5 महीने होगा, 5 तारीख को आई बच्ची यहाँ पर। ये एरिया का नाम तो नहीं मालूम जी। ये हादसा कुछ बजे के 10:30-11:30 के करीब हुआ सो ही, क्योंकि मेरे को फ़ोन करके बोल रहे थे कि मैं मार दिया आता हूँ। मैं हमेशा मजाक करते थे, मार देता हूँ, तो मैं वो मजाक में समझ के मैं अपनी जगह अपने घर पे खामोश था। मैं अभी जब पुलिस वाले फ़ोन करे मेरे को कि वो सिलेंडर हो गया मारा, बोल तो मैं आया। आने के बाद सब जने देखे कि हाँ वाकई मार दिया जी। लंगारोस बगदाद कालीन। आज सुबह में मम्मी से मिलने भी थे।